से हिंदी कक्षा 9वीं पाठ 4 का सांवले सपनों की याद को पढ़ेंगे। अब है आपका लेखक परिचय। ये जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नोनी ही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है वो है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी और संघर्षों के तहत ये साहित्य में प्रकट किए हैं। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ में 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। अब हम पाठ का सार कुछ देखेंगे कि क्या बताया है। इस पाठ में लेखक हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली का स्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व परिचय दिया है। लेखक ने बताया वो ठीक एक सैलानी के तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु यह उनका आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। वो प्रकृति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालिम का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही कृष्ण के कृष्ण की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने पेड़ की छाँव में विश्राम किया और कब उन्होंने बांसुरी बजाई है कोई नहीं जानता, पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखे तो वह कृष्ण की याद दिला देता है। यहाँ पर यमुना नदी के बारे में बताया है, आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। उसी तरह सालिम अली को पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाता है। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया है कि वे उम्र की 100वें पड़ाव के करीब थे। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमजोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु उनके मौत का कारण बनी, परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखे गए। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति प्रभाव में ना जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाता है। उन्होंने अपना जीवन साथी, अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना, जिन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग किया। सालिम जी अनेकों अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे, जो कि मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। परंतु पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में जब सालिम ने उन्हें अवगत कराया तब उनकी भी आंखें नम हो गईं। सालिम ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को डीएच लॉरेंस के बारे में बता लिखा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि वे अपनी पति पर कुछ लिखें। तब उन्होंने कहा कि उनके बारे में मेरे से ज़्यादा मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। मुमकिन है लॉरेंस सालिम का अटूट हिस्सा हो। वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहली रहेंगे। बचपन में उनके एयरगन की शिकार एक गौरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो राह राह दिखाई वे उन्हें नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे जो कि प्रकृति की दुनिया में एक टापू के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। अब हम कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। गढ़ना, बनाना,
हुजूम, जन समूह, भीड़, वादी, घाटी, सोंधी, सुगंधित मिट्टी पर पानी से उड़ने वाली सुगंध, पलायन, दूसरी जगह चले जाना या भागना, नैसर्गिक, सहज या स्वाभाविक, हरारत, उष्णता या गर्मी, आवशार, निर्झर या झरना, मिथक, प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है, शोक, चंचल, क्षति, 100 वर्ष का समय। अब हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न पहला है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? उत्तर, एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। इस घटना ने सालिम के जीवन की दिशा को बदल दिया था। वो गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुड़ गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। अब दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिसमें उनकी आंखें नम हो गई थी? उत्तर है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई थी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था, वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गईं। प्रश्न तीसरा, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर, लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण तथा इतना खुला खुलासा था कि उनके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं था, इसलिए फ्रीडा कहती हैं कि लॉरेंस के बारे में। ये प्रश्न चार है, का है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। खा है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों की गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? गा, सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। उत्तर, काका, लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था, प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही सुलझा तथा सरल था। खा का उत्तर, यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता, हम चाहे कुछ भी कर लें पर उसमें कोई हरकत नहीं ला सकते। गा, सलीम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले, उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष में सीमित नहीं थे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आई उन्हें संजोया। उनका कार्यक्षेत्र बहुत विशाल था। प्रश्न पाँच, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली चार विशेषताएं बताती। उत्तर है, लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं। पहला, इनकी शैली चित्रात्मक है, पाठ को पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आता है। दूसरा, लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू तथा कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया है। इनकी भाषा अत्यंत सरल तथा सहज है। अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का सहारा लिया है। प्रश्न छः, इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, सलीम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उसके मन में कभी न कभी होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा वर्ड वाचर शायद कोई नहीं हुआ। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का है तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल, सीधे और भोले इंसान थे। वे बाहरी चकाचौंध विशिष्टता से दूर थे। प्रश्न सात, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर है, सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेकर जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सलीम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है।
सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सब सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सलीम अली से संबंधित हैं। सलीम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। वे अपने हर किसी को ही नहीं आने देते थे और फिर पक्षी प्रेम में इतना डूब सकते थे कि इसलिए जब वे अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सलीम अली की आंखों में बसते हैं। ये शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। अब है प्रश्न 8। प्रस्तुत पाठ सलीम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। जैसे हमें पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए, वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को कम से कम प्रयोग करना चाहिए, जल प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए, हमें आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। ये सब प्रश्नों को आपको कॉपी में हल करना